Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है. दोस्तों आज हमारे chapter number 1 की है fourth class जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे economy में कौन-कौन से sectors होते हैं जिनके through हम कोई भी काम कर पाते हैं. आपने अक्सर सुना होगा primary sector, secondary sector, tertiary sector. दोस्तों ये तो बहुत छोटी चीज है. आज मैं आपको इससे भी ज़्यादा detail discussion कराऊंगा. लेकिन पहले आपका base भी बनाऊंगा. उसके बाद आपने जो कभी नहीं सुना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए. मेक श्योर आपने हमारी पिछली तीनों की तीनों क्लासेस देख ली होंगी क्योंकि देखो बेसिक बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. ए भी क्लास छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी. ठीक है, चलो बात करते हैं अपने पास सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज की कि हमारे पास कौन कौन से सेक्टर होते हैं इकोनॉमीज के अंदर. चलिए हेडिंग है हमारी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज कि इकोनॉमीज में हमारे कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं. तो मैं आपको बता दूं ब्रॉडली जो हमारे पास सेक्टर्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ तीन होते हैं. कुछ बुकों के अंदर पांच दे रखे होते हैं, कुछ में तीन दे रखे होते हैं. होते तीन हैं, अब उनके डिवीज़न होते हैं. मतलब अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमीज के. तो मैं बता दूं सबसे पहला सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर. बताओ सबसे पहला सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर होता है. दूसरा आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर. दूसरा क्या होता है आपका? सेकेंडरी सेक्टर होता है. और तीसरा आपका होता है टर्शियरी सेक्टर. क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर होता है. पहले मैं एक एक करके सारे सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर आपको दो सेक्टर और बताऊंगा जो हमें पढ़ने हैं अभी इसमें इस वीडियो लेक्चर सीरीज में. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की. दोस्तों प्राइमरी सेक्टर जो होता है हमारा इसको हम रेड कॉलर जॉब बोलते हैं. याद रखना कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसको हम रेड कॉलर जॉब बोलते हैं. क्यों बोलते हैं उसके बारे में सुनो. देखो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है ना, बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं. अगर हमें कहीं भी लेट सपोज कि अगर हमें रॉ मटेरियल की बात करनी है तो एक बात सोच के देखो, कोई भी चीज़ मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ या जिस पेपर पे लिख रहा हूँ ये पेपर कहाँ से आया होगा? एग्रीकल्चर से आया होगा. मतलब प्लास्टिक भी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन क्या होगा, रॉ मटेरियल लिया होगा. ये जो पेपर है कहीं ना कहीं किसी पेड़ को काट के बनाया गया होगा. मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे लूप मतलब बिल्कुल पॉइंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है वो प्राइमरी सेक्टर के रोल में प्ले करता है. तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मेकिंग डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब जो हमें डायरेक्टली क्या देता है? नेचुरल रिसोर्सेज देता है. क्या देता है? डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज देता है. जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? एग्रीकल्चर आती है. जिसके अंदर आपकी क्या आती है बताओ? एग्रीकल्चर आते हैं. आपके फॉरेस्ट आते हैं, जैसे आपके जो पेड़ वेड़ होते हैं ना. फ्यूल्स आते हैं, फ्यूल्स हो गए, फिशेज हो गई, वो सारी आती हैं. इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर जो कि इकोनॉमी के अंदर एज अ रॉ मटेरियल हमको प्रोवाइड कराई जाते हैं, जिनके बिना कोई काम नहीं हो सकता. इनको हम रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं. अच्छा याद करने की ट्रिक बताऊं, देखो एक किसान भाई जब अपने यहाँ पर काम करता है तो बेचारे की खून पसीने की कमाई होती नहीं होती है. तो खून पसीना मतलब खून मतलब रेड कलर. तो ऐसे याद कर लेना प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन सा कलर आता है आपका? रेड कलर आता है. बात आई समझे? चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की. सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जैसे मशीनों पे काम, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी. अब मेरी बात को सुनो, हमने कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से लिया. अब उस रॉ मटेरियल से हम क्या करेंगे? उसको फैक्ट्री में लेकर जाएंगे, उसको फैक्ट्री में लेकर जाएंगे और उसको मशीनों में रख रख के हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे. यानी जहाँ पर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की, बताओ किसकी आती है बात? मैन्युफैक्चरिंग की. तो समझ जाना वो कौन सा सेक्टर है आपका? सेकेंडरी सेक्टर है. बात है यहाँ पर रिफाइनिंग की. रिफाइनिंग मतलब कोई प्रोसेस चल रही है या कोई प्रोडक्शन प्रोसेस चल रही है, तो वो सब किस में आएंगे? आपके सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे. मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में आपकी फैक्ट्रीज आती हैं जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती हैं? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं. और इसमें जो लोग काम करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कई मूवीज़ में कि जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं उनकी ब्लू कलर की ड्रेस होती है. उनकी जो ड्रेस कोड होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसीलिए इसे ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है. क्योंकि वो मशीनों पर काम करते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, इस वजह से उनके जो ड्रेसिंग सेंस है वो ब्लू कलर रखा जाता है और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी. मतलब आपको कैसे याद करना है कि प्राइमरी से जो हमने रॉ मटेरियल निकाला उसको मशीन में प्रोसेस करेंगे, तो मशीन में जब हम मशीन को फैक्ट्री में लेकर जाएंगे तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर. बोलो बात समझ आई? चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने पास टर्शियरी सेक्टर की. दोस्तों टर्शियरी सेक्टर में हमारे पास क्या होता है कि जब हमने अपने पास रॉ मटेरियल से मशीन में प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट को बेचेंगे कहाँ? प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी. किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सर्विसेज की. जैसे आप टेलीफोन करते हो, आपको कॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट चैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो जितने भी हमारे सर्विस सेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं. और ये सारी होती है वाइट कॉलर जॉब.
क्या होती है, वाइट कॉलर जॉब होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मस्त आप एसी में बैठोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होता है आपके पास, मैं इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, ध्यान देना, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक आपका करूँगा सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर, और एक मैं करूँगा नॉन मार्केट सेक्टर, इसको मार्केट सेक्टर भी बोलते हैं, और यहाँ दूसरा जो है ये हम बात करें नॉन मार्केट सेक्टर के। अच्छा, सर्विस सेक्टर में आपके कौन कौन से लोग आ जाएंगे, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट है, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे आपका बिजनेस हो गया, कोई आप बिजनेस धंधा कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, कोई आपकी प्रोफेशनल फीस हो गई, जैसे हम लोग टीचर्स हैं, तो हम टीचर्स किस में कवर होंगे, सर्विसेज सेक्टर में कवर होंगे, यानी इस वाले सेक्टर के अंदर आएंगे, ठीक है। नॉन मार्केटिंग सेक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, आपका एजुकेशन आ जाएगा। अच्छा सॉरी, टीचर्स लोग एजुकेशन अगर कोई स्कूल वगैरह तो वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आपका ह्यूमन हेल्थ आ गया, यानी हेल्थ सेक्टर इसके अंदर कवर हो गया, ये सारे आपके नॉन मार्केटिंग सेक्टर होते हैं। अब आपको क्या याद करना है, टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमारा जो गुड़गांव है, आपने सुना है ना, गुड़गांव जो है हरियाणा का, उसके अंदर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खुली हुई हैं। लंदन में जो मेट्रो चल रही है उसके बारे में जानकारी हमारे गुड़गांव से दी जाती है। गुड़गांव में कॉल सेंटर में जो लोग बैठे होते हैं वो इंग्लिश बोलने में बहुत परफेक्ट होता है, उनसे वो काम कराया जाता है। यानी टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर वाले लोग इंक्लूड किए जाते हैं। अब टर्शियरी सेक्टर को भी ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ध्यान से सुनना, टर्शियरी सेक्टर को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं क्वार्टनरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर, इसीलिए लोग कह देते हैं कि पांच टाइप के सेक्टर होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी, एक होता है टर्शियरी। दोस्तों टर्शियरी का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं क्वार्टनरी, और दूसरा पार्ट होता है, इसीलिए मैं इसे 3B करके लिख रहा हूँ, दैट इज क्विनरी, दैट इज क्विनरी सेक्टर। अच्छा, क्वार्टनरी सेक्टर में कौन आते हैं, जो जिसमें स्किल्ड की ज़रूरत हो, और वो भी कोई हाई क्वालिफाई नहीं बल्कि सेमी स्किल्ड की। किसकी ज़रूरत होगी, सेमी स्किल्ड की ज़रूरत होगी। जैसे अगर आपको एक ट्रक चलाना है तो ट्रक के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है, ड्राइवर आपका बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं बट हाँ सेमी स्किल्ड से भी काम चलेगा। टीचर है, कई सालों का एक्सपीरियंस नहीं बट हाँ वो पढ़ाने स्टार्ट कर सकता है, थोड़ी बहुत नॉलेज भी लेकर, फिर उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा तो उस हिसाब से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये सारे किस में आएंगे, क्वार्टनरी सेक्टर में आएंगे। क्विनरी सेक्टर में, क्विनरी सेक्टर में आते हैं IAS ऑफिसर, जो बिल्कुल स्किल्ड ऑफिसर होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, जैसे हमारी पुलिस हो गई, जैसे हमारे यहाँ पर IAS ऑफिसर हो गया, IPS ऑफिसर हो गया, ये सब किस में आते हैं, क्विनरी सेक्टर में। और इनको गोल्डन कॉलर जॉब बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, गोल्डन कॉलर जॉब, इनको बोला जाता है गोल्डन कॉलर जॉब, क्योंकि मस्त गोल्डन कॉलर होता है, इनके ऊपर कोई नहीं होता, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वाले होते हैं जो कि पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं, ये लॉ मेकर्स होते हैं, बाकी ये सारे तो जो लॉ बनाए उनको एप्लीकेबल इनके ऊपर किया जाता है। आई बात समझ में, तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कितनी है हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और टर्शियरी के भी दो पार्ट हैं आपके, क्वार्टनरी सेक्टर और क्विनरी सेक्टर। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब इसको एक बार बुक से रीडिंग लगा लेते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। चलो बुक से पढ़ते हैं, ये रमेश सिंह की बुक है जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि रमेश सिंह की बुक को फॉलो करने के बाद ना आप कोई भी बुक पढ़ोगे आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बल्कि बुक है इस वजह से, और बच्चे इसमें बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैंने कहा भाई कन्फ्यूज़ किस बात की, आओ मैं कराता हूँ कोई एक चीज़। चलो बात करते हैं इकॉनमी की। देखो सबसे पहली चीज़ है प्राइमरी सेक्टर। देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या दे रखा है, हमने सेक्टर को देखो पहली बार सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी जो होते हैं, हमने सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी को तीन पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन याद रखना थर्ड वाले के भी दो सब पार्ट हैं। देखो मेनली कितना है, याद रखना तीन मेन सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, तीन सेक्टर। जो लोग कहते हैं ना पांच सेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं ना इन तीन को तो जोड़ते ही होते हैं, इन दो को भी जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये थर्ड का ही पार्ट है, इसलिए मेनली अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे तीन ही सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर, देखो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जोड़ी जाती हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, बात समझ आई, जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, क्लियर है। अब इस लाइन को पढ़ाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, अब इधर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा हमारे इंडिया की जो इकॉनमी थी सन 1947 में प्राइमरी सेक्टर इकॉनमी थी, आपने सुना है, हाँ आपने कई बार सुना होगा कि हमारी जो सेक्टर थी वो एग्रेरियन इकॉनमी थी, एग्रेरियन इकॉनमी 1947 तक। क्यों कहा जाता था, याद रखना एक बात हमेशा, कि अगर किसी भी इकॉनमी का जो GDP हम निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम निकालते हैं, अगर उसके GDP का 50% से ज़्यादा GDP जिस किसी भी सेक्टर से आता है,
वो इकॉनमी, वो सेक्टर की इकॉनमी मानी जाती है। जैसे पहले हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, तो हमारे यहाँ पर जो कह सकते हैं जॉब के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी डिपेंडेंसी किस पे होती थी, प्राइमरी सेक्टर पे। तो इस वजह से जो हमारा जो जीडीपी आता था पहले, उसका 50% से ज़्यादा जीडीपी कहाँ से जनरेट होता था, प्राइमरी सेक्टर से। इसलिए हमें अग्रेरियन इकॉनमी कहा जाता था, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। लेकिन कोई जैसे चाइना की बात करते हैं, चाइना के अंदर क्या है, चाइना के अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी उनके यहाँ पर फैक्ट्रीज ज़्यादा है। तो उनके जीडीपी में 50% से ज़्यादा हिस्सा किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का। इसीलिए हम चाइना को सेकेंडरी सेक्टर इकॉनमी बोलते हैं, या कह सकते हैं कि हम उनको बोलते हैं हब ऑफ फैक्ट्रीज बोलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, सन 2021 के डेटा के हिसाब से हमारे यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज़्यादा जीडीपी निकला है। मतलब जीडीपी का मोर देन 50% पार्ट किससे आया है, टर्शियरी सेक्टर से आया है। क्योंकि आज की डेट में हमारी जो इकॉनमी वो ग्लोबल इकॉनमी में वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो चुके हैं। 1991 से हमने अपनी इकॉनमी को, जो क्लोज इकॉनमी थी उसको ओपन इकॉनमी किया, और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली हमने अपनी इकॉनमी को जोड़ा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज, कई सारी PSUs और कह सकते हैं कई सारे फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आए। इस वजह से हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कहीं ज़्यादा आगे हो चुका है। हमारे इकॉनमी का जीडीपी का 50% से ज़्यादा जो पार्ट है वो कहाँ से आता है, टर्शियरी सेक्टर से आता है। आपको बात आई समझे? चलो अब आप इस लाइन को पढ़ोगे तो समझ आएगा। दोस्तों मैंने हर एक लाइन के ऊपर बहुत गहन डिस्कशन किया, इसके बाद भी अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रही तो दोस्तों आपका फॉल्ट है, मैं सच बताऊँ, क्योंकि इससे ज़्यादा डीप आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, चलो पढ़ो। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, देखो इसने कहा है कि अगर मान लो हाफ से ज़्यादा नेशनल इनकम अगर आपकी प्राइमरी सेक्टर से आ रही है, मतलब आपकी नेशनल इनकम का आधे से ज़्यादा पार्ट अगर प्राइमरी सेक्टर से आता है, तो आपकी इकॉनमी को क्या बोला जाएगा, अग्रेरियन इकॉनमी, या आप इसको प्राइमरी सेक्टर इकॉनमी भी बोल सकते हो। बोलो क्लियर हुआ? ये आपका हो गया नंबर वन, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। चलो अब बढ़ते हैं अपने पास नंबर टू, सेकेंडरी सेक्टर की ओर। सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलता है, देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या बोलता है, इट कंटेन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, मतलब पैसों से इन्वॉल्व होता है, इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है, जिसमें रॉ मटेरियल को हम प्राइमरी सेक्टर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। आई बात समझे? वन ऑफ द सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हैज प्रूव्ड बाय द लार्जर एम्प्लॉयर। अब यहाँ से पढ़ो, कोई भी इकॉनमी सेकेंडरी सेक्टर इकॉनमी कब मानी जाती है, जब उसकी नेशनल इनकम का, ये कह लो जीडीपी का आधे से ज़्यादा परसेंटेज किस में डिवोट हो, सेकेंडरी सेक्टर में डिवोट हो, और उस इकॉनमी को क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल इकॉनमी बोलेंगे। इंडस्ट्रियल बोलो चाहे सर्विस सेकेंडरी सेक्टर इकॉनमी बोलो, बात एक है। क्लियर हुई बात है? चलो इसके बाद अब बात करते हैं अपने पास टर्शियरी सेक्टर की। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या आएगा, देखो ये हमारी थर्ड सेक्टर आ गई, टर्शियरी सेक्टर। ये लो भाई, थर्ड सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में कहा गया वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, याद रखना पैसों से इन्वॉल्व है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फॉल्स इन दिस सेक्टर। इसमें वो सारे के सारे सेक्टर्स आते हैं जिनमें सर्विसेज दी जाती है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंक आपको सर्विसेज देती है, कोई प्रोडक्ट नहीं देती, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन बातचीत करने के साधन, ये सब क्या आपके टर्शियरी सेक्टर्स हैं। आई बात समझे? कहा गया है कि लाइवलीहुड इज कॉल्ड, देखो यहाँ भी साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट मिनिमम हाफ ऑफ द नेशनल इनकम, अगर आपकी नेशनल इनकम का आधे से ज़्यादा पार्ट जो इनकम जनरेट होता है वो किससे होता है, टर्शियरी सेक्टर से होता है, तो उसको हम सर्विस इकॉनमी कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं उसको, हम सर्विस इकॉनमी कहते हैं। ये देखो सर्विस इकॉनमी। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो बिल्कुल, हाँ सर क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या है, टर्शियरी सेक्टर के सब डिवीज़न किए गए, यानी मैं बोल सकता हूँ ये आपका थ्री का ए पार्ट और ये है आपका थ्री का बी पार्ट, यानी ये थ्री के दोनों पार्ट हैं। कौन कौन से, क्वार्टनरी सेक्टर और क्विनरी सेक्टर। क्वार्टनरी सेक्टर में सेमी स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये वो सेक्टर होते हैं जो कि नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकॉनमी के अंदर, जिसे बोलते हैं क्वार्टनरी सेक्टर। और क्विनरी सेक्टर क्या होते हैं, ये वो सारे टॉप लेवल डिसीजन लेते हैं। याद रखना, यहाँ पर मैंने बोला, ऊपर बोला क्वार्टनरी सेक्टर में नॉलेज वाली चीज़ आती है, यहाँ पर क्विनरी सेक्टर में टॉप लेवल डिसीजन आते हैं, जैसे गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसीज होते हैं, जैसे IPS IAS ऑफिसर जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जिनका दिमाग चलता है, जिनके दिमाग की वजह से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो वही यहां पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ऑल एक्टिविटी वेयर टॉप डिसीजन आर मेड फॉल अंडर दिस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर इज द गवर्नमेंट। जो हाईएस्ट मेकर होता है, डिसीजन मेकर कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर थोड़ी कम फॉल करती है, गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा फॉल करता है, और ये जो है दिमाग से बहुत ज्यादा तेज लोग होते हैं और ये पॉलिसी मेकर होते हैं। क्विनरी सेक्टर वाले कौन होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। बोलो आपको बात समझ आई है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तीन सेक्टर होते हैं प्राइमरी जिनको रेड कलर जॉब बोलते हैं, जैसे हमारे एग्रीकल्चर
सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें हमारे पास फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जिसमें ब्लू कलर जॉब होती है, टैशरी होती है, जिसमें सर्विस सेक्टर इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर क्या आते हैं क्वार्टनरी और क्विनरी। क्वार्टनरी में सेमी स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, क्विनरी में हाई स्किल वाले लोग होते हैं जो कि टॉप रैंकर्स होते हैं। बोलो क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक थ्योरी निकल के आती है, ध्यान देना उस थ्योरी का नाम क्या है। चलो मैं आपको एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल में बताता हूँ, बस 5 मिनट और बचे इस क्लास के, इसके अधिक क्लास खत्म होने वाली, डोंट वरी। चलो अब यहाँ पर एक आता है WW रोस्टर थ्योरी, मैं इसको लिखता हूँ WW रोस्टर प्रोस्पेक्टिव, या थ्योरी भी बोल सकते हो आप इसको, जो कि सन 1960 में दी गई थी। देखो ये थ्योरी क्या बोलता है, रोस्टर जो है ना एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, रोस्टर जो है वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और अमेरिका के इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी। इन्होंने WW रोस्टर के अकॉर्डिंग पता है क्या था, रोस्टर कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जो है वो 5 स्टेजेस से होकर निकलती है। कोई भी इकोनॉमी होगा वो सबसे पहले क्या करेगी, अपने पास प्राइमरी सेक्टर पर इन्वॉल्व होगी, यानी वो सबसे पहले क्या करेगी अपने पास एग्रीकल्चर करेगी। कोई भी इकोनॉमी होगी उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एग्रीकल्चर से होगी। फिर कुछ साल तक जब वो एग्रीकल्चर करेगा, फिर वो धीरे धीरे इकोनॉमी किस में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी इकोनॉमी में कन्वर्ट होगी। मतलब उसकी इकोनॉमी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगी, फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या स्टार्ट हो जाएंगी, फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे वो किस में आ जाएगी, अपने पास टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगी। टर्शियरी का मतलब है फिर उस इकोनॉमी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएंगी, सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज KPO BPO लगनी शुरू हो जाएंगी। फिर टर्शियरी से वो इकोनॉमी किस में कन्वर्ट होगी, क्वार्टनरी सेक्टर में। किस में कन्वर्ट होगी, क्वार्टनरी सेक्टर में कन्वर्ट होगी। फिर वो क्वार्टनरी सेक्टर से किस में कन्वर्ट होगी, क्विनरी सेक्टर में कन्वर्ट होगी। मतलब इन्होंने एक पूरा क्या दिया अपने पास, इन्होंने पूरा अपने पास ये QUINAR भाई, ठीक है, क्विनरी सेक्टर। तो रोस्टर ने क्या बोला, WW रोस्टर जो US के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कोई भी इकोनॉमी होगी वो इसी चैनल को यूज़ करेगी। यानी कोई भी इकोनॉमी पहले स्टेज ये होगी उसकी, सेकंड स्टेज ये होगी, थर्ड स्टेज उसकी ये होगी, फिर फोर्थ स्टेज उसकी ये होगी, फिफ्थ स्टेज उसकी ये होगी। यानी उन्होंने एक फॉलोअप दे दिया कि ये प्रोसेस होगा किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ का। आई बस समझ, लेकिन ये इकोनॉमी हम इंडियंस ने पूरी तरह से फेल कर दी, जिसको बोला जाता है एक्सेप्शन। यानी इसी का हमने क्या बना दिया, एक्सेप्शन बना दिया। इसी का क्या बना दिया हमने, एक्सेप्शन बना दिया, यानी इस रूल को हम फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शन ऑफ WW रोस्टर प्रोस्पेक्टिव। हमने इस रूल की धज्जियाँ उड़ा दी। हमने पता है कैसे धज्जियाँ उड़ाई, चलो मैं आपको बताता हूँ, हम इंडियंस ने इसकी धज्जियाँ कैसे उड़ाई US के इस प्रोफेसर की। कुछ इस तरीके से उड़ाई कि सन 1947 तक हमारा जो देश था वो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी था। प्राइमरी सेक्टर मतलब अग्रेरियन इकोनॉमी था, क्योंकि हमारी GDP मोर देन जो पार्ट है वो कहाँ से आता था, एग्रीकल्चर से आता था। ये तो आपको भी पता होगा, आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। फिर 1947 से लेकर 1991 तक हमारी इकोनॉमी स्टिल एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही बनी रही, कोई ज़्यादा ग्रोथ उसके अंदर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 1991 में हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए, LPG स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही LPG का कॉन्सेप्ट आया, हमने देखा कि 1991 के बाद से जो भी इकोनॉमी, जैसे आज की अगर मैं बात करूँ सन 2021 की, तो 2021 के अंदर हमारी इकोनॉमी जो है वो टर्शियरी इकोनॉमी है। टर्शियरी इकोनॉमी का मतलब है हमारी इकोनॉमी का GDP का 50% से ज़्यादा पार्ट जो है वो टर्शियरी से आता है। आपको एक बात बताऊँ, 2021 के डेटा के हिसाब से 68.2% जो है हमारा जो GDP है वो कहाँ से आया है, टर्शियरी सेक्टर से आया, मतलब सर्विस सेक्टर से आया। तो आप एक बात बताओ, क्या इंडिया ने जो ये फर्स्ट स्टेज है इसके बाद सेकेंड स्टेज यानी सेकेंडरी फैक्ट्रीज पर ध्यान दिया, नहीं दिया। वो सीधा किस पर जंप कर गए, सेकेंडरी सेक्टर पर। प्राइमरी से सीधा जंप कहाँ मार दिया, टर्शियरी सेक्टर पे। और क्या कर दिया, रोस्टर के इस लॉ को हमने फेल कर दिया, रोस्टर के इस बनाए हुए लॉ को हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से फेल कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ये बात आपको समझ आई, और इसी को कहा जाता है एक्सेप्शन ऑफ WW रोस्टर प्रोस्पेक्टिव। बोलो क्लियर हुआ? चलिए बस आज की क्लास में हमारे लिए इतना ही था। आज हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, और इसके लिए कौन से बड़े प्रोफेसर थे जिन्होंने ये नींव रखी, WW रोस्टर, और फिर हमने उनके रूल को क्या कर दिया, फेल कर दिया। आई बात समझे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और इसको प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।